आज आपकी मुलाकात उकाड़ा के दो नौजवानों के साथ करवाने जा रहा हूँ जो उकाड़ा से अल्लाह के घर पैदल सफर के लिए निकलते हैं, पैदल हज के लिए जा रहे हैं। तो कैसे जहन के अंदर ख्याल आ गया? हमारे दिल में ख्वाहिश थी। ये ख्वाहिश कब से थी? 2021 से। रास्ते के अंदर आबादी भी आती है, लोग देख के क्या कहते हैं? वो शाबाश देते हैं, मिलते हैं आके, सोने के रोजे पे जा रहे हैं, दुआ करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। आज आपकी मुलाकात उकाड़ा के दो नौजवानों के साथ करवाने जा रहा हूँ जो उकाड़ा से अल्लाह के घर पैदल सफर के लिए निकलते हैं। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये टोटल सफर कितना बनता है, एक दिन के अंदर कितना सफर कर लेते हैं? दोनों भाई हमारे साथ मौजूद है, आइए हम भाई से बात करते हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी। क्या नाम है आपका? आसिफ अली जी। आसिफ अली भाई बताइएगा, जदीद दौर आ चुका है, लोग जहाज़ों पे जाते हैं, तो आप माशाल्लाह पैदल हज के लिए जा रहे हैं, तो कैसे जहन के अंदर ख्याल आ गया? हमारे दिल में ख्वाहिश थी। ये ख्वाहिश कब से थी? 2021 से। 2021 में ख्वाहिश थी, तो जब ये आपकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है तो कैसा खुद को महसूस करते हैं? बहुत खुश नसीब। खुश नसीब है आप जी। बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? मियाँ चन्नू में। मियाँ चन्नू, मुझे उकाड़ा से मियाँ चन्नू आ गए हैं, तो बताइएगा ये टोटल सफर तकरीबन कितना बनता है? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर कितने दिन में तय किया? 5 दिन में। यार जदीद दौर है, अगर आप चाहते हैं तो जहाज पे भी जा सकते थे, तो लोग नहीं आपको कहते यार आसिफ भाई जुवेद भाई आए हमारे साथ, बाइक पे बैठ जाए, कार पे बैठ जाए? कुछ भी कहें लेकिन पैदल जाएंगे कहते हैं लोग। बहुत कहते हैं। रास्ते के अंदर आबादी भी आती है, लोग आपको देखते हैं रोड के ऊपर चलते, तो कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा महसूस होता है? बिल्कुल। लोग देख के क्या कहते हैं? वो शाबाश देते हैं, मिलते हैं आके, सोने के रोजे पे जा रहे हैं, दुआ करना। दुआ के लिए आपको अपील करते हैं? बिल्कुल जी। बताइएगा घर वालों का कैसा रद्द अमल था? बहुत अच्छा था। अच्छा आप जाएंगे कैसे, यहाँ किस जगह जाएंगे, फिर वहाँ आगे कैसे जाएंगे? इधर से जाएं मुल्तान, मुल्तान से क्वेटा, क्वेटा से गए ताफ्तन पार्ट। काफ़ी रास्ता बनता है, तो मुश्किलात भी आती होंगी इंशाल्लाह। क्यों आम मुश्किलात तो आती हैं, क्यों नहीं आती? जुवेद भाई आसिफ भाई बताइएगा रात कहाँ स्टे करते हैं? रात ही बात इतनी ठंड होती है। मस्जिद में। मस्जिद में स्टे करते हैं जी। अगर कोई होटल वगैरह पे किसी घर में अगर आपको ऑफर आ जाए? नहीं, मस्जिद में जाएंगे, नमाज मस्जिद में करेंगे। हाँ नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के सो जाएंगे। माशाल्लाह आसिफ भाई आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, तो किसी जो करोड़ों पति लोग होते हैं उनको भी अल्लाह की घर से शायद बुलावा किस्मत से मिलता होगा, लेकिन आप मेहनत मजदूरी करते हैं, आपको बुलावा आ गया। तो बताइए भैया टोटल खर्चा तकरीबन कितना आ जाता है? 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख बासानी आ जाता है जी। वीज़ा आपको बासानी मिल जाएगा इंशाल्लाह, हुकूमत से अपील है भी हमारे वीज़ा में आसानी की जाए। दरख्वास्तें वगैरह जमा करवा दी जी जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट के अंदर हमारे नाज़रीन को, हमारे हुक्मरानों को, या जो लोग पैदल हज के लिए जाते हैं इनके लिए किन किन सहूलियात इनको दी जाए? इन्हें सिक्योरिटी दी जाए जी, ठीक है। इनके वीज़े में दरख्वास्तें लिखी उनकी भेजी हुई हैं, वज़ीर आज़म साहब को भेजी हैं, वज़ीर आला को भेजी, मरियम नवाज साहबा को और वज़ीर ख़ारजा को, ये हमारे वीज़ों में आसानी पैदा की जाए। बहुत शुक्रिया नादिन। ये हैं उकाड़ा के दो नौजवान जो कि उकाड़ा से पैदल हज के लिए जाते हैं, एक दिन के अंदर सफ़र कितना करते हैं, टोटल इनका ये जो राउंड है कितना बनता है, और ये रात कहाँ स्टे करते हैं इस सर्दियों में। भाई का कहना है कि अगर मुझे यहाँ जहाज़ भी लाकर खड़ा कर दिया जाए तो फिर मैं उसको टकरा दूंगा, लेकिन मैं पैदल हज करना ये अपने लिए सादत की बात समझता हूँ। ये थे दो नौजवान जिनसे आपकी मुलाकात करवाई है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।